तो आज चूंटणी तारीखों जाहिर थाय तेवी शक्यता चूंटणी पंच द्वारा आज पत्रकार परिषद संबोधवामां आवशे। आज अंगे वधु वातचीत साथे अमारी साथे अमारा संवाददाता जतीन लाइव जोड्या छे। जतीन, बपोरे 12 वागे चूंटणी पंच द्वारा पत्रकार परिषद संबोधवामां आवशे अने चूंटणीनी तारीख जाहिर थाय तेवी प्रबळ शक्यताओ छे, शुं अपडेट छे हालमां? बिल्कुल जी, गुजरात में आ वक्त चूंटणी गुजरात के अंदर आ वक्त भाजप कांग्रेस आम आदमी पार्टी मैदान में जवा रही है। आ वक्त गुजरात की चूंटी ने लई तमाम लोग चूंटी पंच की राह जो रहा था कि जयरे गुजरात में विधानसभा चूंटी की जाहरात थे, परंतु आज बपोरे 12 वगे बात करी तो चूंटी पंच द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस आयोजन कर प्रेस कॉन्फरेंस की अंदर चूंटी पंच द्वारा आगामी गुजरात विधानसभा चूंटी ने लई जो तारीख जाहिर करे थी शक्यताओ जुटी तो जवा रही है। साथ साथ ये प्रमाण कही सकता है कि गुजरात में बे तबक्का में इलेक्शन जी थी सके पूरी शक्यताओं जी से जवा रही है। साथ साथ कही सकता है कि जो प्रमाण हिमाचल रिजल्ट चूंटी रिजल्ट के 8 डिसेम्बर रोज आवे गुजरात पर जवा रही है। खास विषय तो 8 डिसेम्बर रोज गुजरात विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट से जाहिर थी सके। जी जतीन, जी रीते भाजप द्वारा पण उम्मीदवारो पसंदगी माटे बैठकों नो धमधमाट जोवा मळी रह्यो छे, केवी गतिविधि आजे पण रहेशे? बिल्कुल जी, आज कमलम खाते बैठकों नो जोर दिशी शुरू कर देवामां आव्यो छे। आज कमलम खाते पार्लामेंटरी बोर्ड की गुजरात प्रदेश पार्लामेंटरी बोर्ड की बैठक आयोजित करवामां आवी छे। बैठक अंदर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जो है हाजर रहेवाना छे। साथ साथ ज ये प्रमाण गुजरात विधानसभा चूंटी नजीक आ रही है, जमा भाजप द्वारा निरीक्षकों की याद क्लियर करवामां आवी छे, जो तमाम विधानसभा में पड़ा था। विधानसभा दीठ जो सेंस प्रक्रिया जी थी हाथ धरवामां आवी छे, जेने लईने 46 जेटला प्रायोगिका जी थी सामे आव्या हता, जेने लईने आज कमलम खाते बैठक थी, जेमां अमित शाह, के आर पाटिल, गुजरात राज्य मुख्यमंत्री तेमज गुजरात सहप्रभारी सूरजभाई તેઓ પણ હાજર રહેશે। ની બેઠક ની અંદર જે નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, કેટલા પણ દાવેદારો દાવેદારી નોંધાવી હતી, જેના નામની મુહિમ જે છે લાગતી, એટલે કે જે દાવેદારો આવ્યા હતા તેમાંથી 48 સેન્સ ક્લિયર પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જે છે તે દિલ્હીના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જે છે। જી જી, આભાર જતીન જોડાવા માટે અને માહિતી